ये देखने वाली बात होगी आगे जो भी कार्यवाही सदन का बाकी है, क्या वो सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाएगी। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, सागर न्यूज, रांची। लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले पर शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय ने हुई सुनवाई। जेल आईजी ने कोर्ट के समक्ष विस्तृत एसओपी जमा किया है। वहीं रिम्स निदेशक के कोर्ट के समक्ष लालू प्रसाद की स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। साथ ही देर में रिपोर्ट पेश करने के लिए रिम्स निदेशक कोर्ट को माफी मांगी है। आपको बता दें कि अब इस मामले में लंबे समय से स्थगित कर दी गई है। फिलहाल लालू यादव दिल्ली के एम्स में इलाजरत है। विवादों से घिरे बिहार के मत्स्य और पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी विधानसभा पहुंचे। विधानसभा पहुंचते ही मीडिया से उन्होंने घेर लिया। वहीं मीडिया से बचते हुए उन्होंने कहा कि देखते हैं किसमें है कितना है दम। आपको बता दें कि हाजीपुर में मत्स्य विभाग की तरफ से सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मत्स्य विभाग की योजना के तहत चिन्हित मछली पालकों को आईसी बॉक्स और मोको बाइक, छोटे मछली वाहन, गाड़ियों दी जाने की बात की गई। वहीं विभागीय स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री मुकेश सहनी को पहुंचना था, लेकिन मुकेश सहनी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। मंत्री की जगह उन्हें भाई संतोष सहनी इस कार्यक्रम में पहुंचे। इसके साथ ही मत्स्य विभाग के सरकारी गाड़ी में उन्होंने इस्तेमाल किया। इसके बाद बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता ने लगातार हंगामा कर रहे थे। बिहार में अपराधियों पर